भाई साहब। हाँ भैया। भाई साहब मेरी एक हेल्प कर देंगे आप? क्या हुआ? भाई साहब अभी मैं रास्ते से जा रहा था ना, तो एक स्नैचर मेरा बैग मेरा फोन सब छीन के भाग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा किससे हेल्प लूँ, यह सारी सोसाइटी में कोई दिख ही नहीं रहा, आप अकेले इंसान दिखे हो। एक कॉल कर सकता हूँ आपके फोन से? मेरा फोन? अब भैया ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको नंबर बता देता हूँ ना, आप मिला लो। सीरियसली भैया यहाँ से आ रहा था, प्रॉब्लम हो गई है, वरना मैं नहीं बोलता। नंबर बोलो। 6698484753। रिंग जा रही है, ये लो। हाँ जी भैया, एक मिनट। हेलो, हाँ सुनो यार, रास्ते में ना अभी मेरा फोन चोरी हो गया। अरे नहीं यार, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ये तो एक भले मानुस मिल गए, इन्हीं के फोन से कॉल कर रहा हूँ। टाइम 10:37 हो रहे हैं अभी तो। अच्छा सुनना यार, मैं ना वो पीछे साइड वाली रोड पर हूँ, वो बंगला नंबर है ना, उसका क्या नाम है, अरे 1719। हाँ उस वाले बंगले, 1719 वाले बंगले पे तू मुझे मिल जा। ठीक है ठीक है भाई साहब, भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं भैया। प्रीति जरा पानी लाना। ₹80,000? ये लो पानी। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? यार मेरे अकाउंट से ₹80,000 डेबिट हुए। तुमने निकाला है क्या? ₹80,000? नहीं नहीं मैंने नहीं निकाले, और मैं भला ₹80,000 का क्या करूंगी? यार सच बताओ यार, घर में तो पड़ा रहता है मेरा डेबिट कार्ड। यार अगर तुमने लिए तो मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं क्यों निकालूंगी पैसे, और भला ₹80,000 का मेरे को क्या काम होगा? यार बात तो तुम सही कह रही हो, मैंने रेंट भी दे ही दिया है, फिर ₹80,000 यार कहाँ चले गए? सर मैंने आपकी रिपोर्ट तो लिख ली है और साइबर टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन सर आप मुझे बता सकते हैं कि ये ₹80,000 गए कहाँ? आपको इसका कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। सर आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या पता मैम ने खर्च किए हो या फिर कोई EMI वगैरह कटी हो। नहीं सर, मैंने इनसे ही पूछ लिया, इन्होंने भी कहीं नहीं पे किया, और मैंने भी कोई EMI पे नहीं करी है, और ₹80,000 की EMI कौन पे करता है सर? हाँ ये बात तो है, पर सर आप याद करने की कोशिश कीजिए, ये अमाउंट कटने से पहले क्या आपके साथ कुछ अलग या कुछ अजीब हुआ था? नहीं सर, ऐसा कोई अजीब तो नहीं हुआ, जस्ट मैं ऑफिस गया, ऑफिस से आने के बाद मैं घर पे आया, बैग खोल रहा था, मैंने पानी के लिए पूछा, तो इतने में मैंने देखा मैसेज कि अमाउंट कट गया है। बस रास्ते में आते वक्त मैंने एक आदमी की हेल्प करी थी, उसका फोन और पर्स चोरी हो गया था, तो बस वही। क्या कहा आपने, आपने एक आदमी की हेल्प करी थी? हाँ। क्या आप उसे जानते थे? नहीं, वो ऐसे रास्ते में मुझे मिला था। तो सर वो फोन आपने ही किया था? हाँ सर, वो मैंने खुद ही फोन किया था, मुझे पता है कि आज के डेट में फ्रॉड्स होते हैं, मुझे पता है कि लोग फॉरवर्डिंग पर अपना कॉल लगा के और चले जाते हैं, मैंने इसीलिए खुद नंबर डायल करके उसको दिया था। अच्छा सर, मैं आपका फोन देख सकता हूँ एक बार? हाँ। थैंक यू सर। सर ये अमाउंट डिडक्ट होने से पहले आपके पास एक OTP आया हुआ है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? OTP? नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता इसके बारे में। सर याद करने की कोशिश कीजिए, लगभग 4 बजे के आसपास ही आपको मैसेज आया है। 4 बजे? अरे हाँ, उस वक्त मैं ऑफिस से रिटर्न आ रहा था, और 4 बजे करीब ही तो मुझे आदमी मिला था। सर पक्का उसने कुछ गड़बड़ की होगी? नहीं सर, मैंने उसे खुद फोन मिला कर दिया था, वो कैसे गड़बड़ कर सकता है? सर आप याद करने की कोशिश कीजिए, ये OTP आया है 1719, क्या उसने किसी को बताया था? एक मिनट, 1719? जी सर, ये तो वो उसका मकान नंबर था। अच्छा सुनना यार, मैं ना वो पीछे साइड वाली रोड पर हूँ, वो बंगला नंबर है ना, उसका क्या नाम है, अरे 1719, हाँ उस वाले बंगले।
यही हुआ है, उस पार्सल से आपका एड्रेस और आपकी डिटेल्स निकाल कर उस स्कैमर ने आपके साथ स्कैम किया। तो सर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपना पैसा वापस ले सकें? सर ये स्कैमर्स लोग बहुत चालाक होते हैं, ये गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं और उनके अकाउंट में सारे पैसे मंगवाते हैं, और जैसे इनका काम हो जाता है तो अपने पैसे निकाल के फरार हो जाते हैं। अब ये गरीब लोग भी 500,000 रुपए के चक्कर में अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं। पर सर हमारी साइबर टीम बहुत मेहनत कर रही है इसके ऊपर, हो सकता है जल्दी कोई ना कोई उपाय निकल आए, पर सर इनका नेटवर्क बहुत फैला हुआ होता है तो अभी मिल पाना तो बहुत मुश्किल है। बस सर मैं आप लोगों को इतना ही इत्तला करना चाहूँगा कि अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बाहर मत फेंकिएगा, हमेशा किसी भी पार्सल के पैकेट को डिस्ट्रॉय करके ही बाहर फेंकना। जी सर मैं ध्यान रखूंगा इसका, बाकी जैसा भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ।